उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचल लोक अदालत वैन को दीवानी न्यायालय परिसर में जिला जज मुकेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सचल वैन 3 दिनों तक जिले में रहेगी और शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर वादियों के मुकदमों का निस्तारण करेगी। इस वैन के माध्यम से मोटर क्लेम, दुर्घटना, पारिवारिक वाद सहित अन्य मुकदमों का मौके पर निस्तारण हो सकेगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रकाश चंद्र शुक्ल ने बताया। नमस्ते, आप कहाँ से बोल रहे हैं? क्या रख दी रही रुपये आप लोग उधर ही चले कि आम जनमानस को विधिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी हो, सस्ता और सुलभ न्याय कैसे प्राप्त हो सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा नालसा और सालसा का गठन किया गया है और किस तरह से उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं जो अल्प आय वाले हैं और सुलह समझौता के माध्यम से मुकदमों का निस्तारण किया जा सकता है। इसका सारा उद्देश्य व्यवस्था जो बनाई गई है कि आम जनमानस को इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। किस तरह के मुकदमों का निस्तारण होगा सर? दुर्घटना, मोटर दुर्घटना से संबंधित, घरेलू जो विवाद चलते हैं पति पत्नी के बीच, भरण पोषण से संबंधित बात, जितने छोटे मुकदमे हैं इनके बारे में, मोटर क्लेम से संबंधित, ये मुकदमों का निस्तारण कैसे हो सके और कम फीस या अधिवक्ताओं को फीस न देना पड़े, इस हमारे पास यहाँ पे अलग से अधिवक्ताओं का एक पैनल है जो कि निशुल्क सहायता प्रदान करते हैं और कोर्ट फीस की वापसी भी कुछ मामलों में है। सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं इसी के लिए प्रचार प्रसार करने। तो कहाँ तक जाएगी वैन, कितने दिनों तक रहेगी? 3 दिन तक वैन यहाँ पे रहेगी और शहर के और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर यह जाएगी। अभी सेंट्रल ड्यूज का रहा, रेलवे स्टेशन पर है, जंगल कौड़िया, इस तरह से 3 दिन के कार्यक्रम लगे हुए हैं और डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम भी आया हुआ है, तो चूँकि दिन की रोशनी है तो इसमें दिखाना संभव नहीं था, उसको विशिष्ट स्थानों पर प्रचार प्रसार के लिए उसको चलाया जाएगा रात के समय या शाम के समय। और कुछ